हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर सतना जिला से है, जहां के मुकुंदपुर चौकी में ही वो समय अफरा तफरी मच गए जब एक महिला पुलिस के संगहन जहर खाई लिहिन। वहीं हालत बिगड़े में ही महिला का संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करावा गा, जहाँ अब महिला के हालत में सुधार बतावा जात ला हवे। असल में ही महिला रामपुर बघेलान थाना के जिन्ना गांव के आई जे बताइन के उनकर बेटा के संगे कुछ जने मारपीट करीन। वहीं थाना में ही एक रिपोर्ट नहीं दर्ज की जा लागी। आई सुनाई पीड़ित विधवा महिला के आप बीती। हमारे लड़के को भगा दिए वहां से, बोले कि आपकी पार्टनरी कुछ नहीं है, ऊपर से पैसे मांग रहे थे 5 लाख के, पैसे दो जब हम आपको रख कहेंगे। उसमें गवाही भी हमारे पास, अभ्यास और गलवाड़ी महाराज हैं, उनसे बोल रहे थे कि आप इनकी जगह इसके हिस्से की बिकवा दें। आकाश हमारा लड़का है, उसको अपहरण करके ले गया नाट से रीवा कृष्ण मंदिर के उसे ले जाके 4-6 गुंडे लगा के उसने हमारे लड़के को बहुत मरवाया। बोलता रहा दादा मत मारो, दादा मत मारो, बोला था हम मार डालेंगे जान से। हमारे घर में भी 3-4 बार गाओ धमकी देने के लिए कि हम तो ही जान से मार डाल रहे हैं। कहीं चौराहा थाना में हमने फिर रिपोर्ट करी 17 तारीख का, कोई सुनाई नहीं भाई। वहाँ पर पैसे भर दिए तो कहाँ से सुनाई होगी। लड़का घर आ गया, हम भी गए थे साथ में रिपोर्ट करने। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से आवे, जहां मृतक के परिजन खातिर सहायता राशि देवाबाय के नाम में युवक अपने आप कर रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला के सचिव बताए के 25,000 रुपया के रिश्वत मांगे। जैसे पीड़ित युवक का रुपया दिहीन तो पैसा लेके भाग का। पीड़ित गढ़ थाना पहुँच के शिकायत दर्ज करवाईन, तब जाके पुलिस घेराबंदी करके आरोपी का गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। आई सुनाई पीड़ित और पुलिस के किसल गए मामले में का बताए रहे हम। अपना के नाम का है मुन्ना लाल चर्मकार राम पचामा, पिता का नाम श्री निवासी ग्राम पचामा, वार्ड नंबर 6 नगर पंचायत चौका जिला रीवा। आप थाने आए हैं, क्या कारण? थाने आया साहब, उनको 27 तारीख को फ़ोन किया गया, मैंने तीरथ कसा हमारे गांव का हमारे ये दरज है, उसके यहाँ हमेशा ये फ़ोन करते थे अज्ञात व्यक्ति, पता नहीं हम नहीं जानते उसको। और तीरथ ने बताया कि तुमसे तुम्हारा काम हो गया है, हमारा भतीजा ख़त्म हो गया था 2 मार्च 2022 को, तो उसी लिए संबल योजना के तहत मैं नगर पंचायत के लिए आता जाता हूँ। नगर पंचायत वाले अधिकारी ये द्वारा बताया गया संबल में तुम्हारा भतीजे का नाम है लेकिन मोबाइल नंबर लोड नहीं है। तो तीरथ ने सुना कि बताया कि हमारे हमारा एक आदमी है राजेंद्र शुक्ला का सेक्रेटरी बताते हैं, वो तुम्हारा काम कर देंगे चाचा, चाचा आपको कहा तीरथ बता। तो हमने कहा ठीक है, काम बात कर लो उसे। तीरथ बोले मोबाइल से हमसे बात कराया परसों, फिर नगर पंचायत सामने बात किया, फिर नगर पंचायत एक कर्मचारी हुआ हो बड़े बाबू है मोहम्मद आरिफ अंसारी, तीरथ के मोबाइल से वो भी बात किए मोहम्मद आरिफ अंसारी भी, तो वो बता दिए मोहम्मद आरिफ अंसारी कि इनमें सिम्बल में नाम है लेकिन मोबाइल नंबर रोड नहीं है, उसमें असंभव है रीवा से हो सकता है। तो फिर बाहर जब हम लोग निकल जाए उनके मोबाइल से बात बंद हो गई, वो तीरथ के मोबाइल में पुनः तो फोन लगाए हुए यहाँ से फोन गया, तो कहा कि मैं सांसद भवन में राजेंद्र शुक्ला के साथ में हूँ, और तुम्हारे चाचा काम हो गया है, दो किस्त में उनको 8 लाख रुपये मिलेगा, 4 लाख रुपये ही इसमें मिल जाएगा हफ्ते में, 4 लाख रुपये को सबसे मिलेगा, तो उसको भेज दो तो कहीं कितना लगेगा। पहले बोले 10,000 रुपये, तीरथ कहा लोग ठीक है भेज देंगे, फिर कहा कि नहीं 10,000 नहीं 20,000 रुपया उनसे बात कराओ। तब फिर तीरथ ने हमारा मोबाइल नंबर दिया, हमारे घर में जब हम घर पहुँच गए तो हमारे घर में 6 बजे के लगभग फ़ोन लगाए कि माने कौन बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं मुन्ना लाल तीरथ को चाचा काम है, तुम्हारा काम हो गया है, भोपाल से करवा दिए हैं, सांसद भवन में बैठे हैं, माने पर्सनल सेक्रेटरी हैं राजेंद्र शुक्ला के, इसमें कोई संभव असंभव वाली बात नहीं, तुम्हारा काम करवा दिए हैं, कल तुम हमारे माने कटरा नई गढ़ी मोड़ पर आइए, वहाँ हमको 20,000 रुपये दीजिए। पहले बोले 6 बजे, हम कहें ठीक है, हम व्यवस्था करेंगे, पहले भाभी से पहले भतीजे से कहेंगे कहीं ठीक, फिर कहीं कुछ देर बाद हम लगाएंगे। मैं रोड पर चला गया आर मशीन में बैठ। एक ये शिकायत मुन्ना लाल साकेत का भुल्लू पचामा ने किया है कि 25,000 रुपये की कोई ठगी कर रहा था, इसमें क्या मतलब?
ये बात सही है, रियाती मुन्नालाल चंदा कल थाना में आकर बताया कि उसका भतीजा, सगा भतीजा फूलचंद चंदा किसी अज्ञात बीमारी कारण खत्म हो गया था 2/3/22 को। दाह संस्कार के बाद संबल योजना के तहत सहायता राशि हेतु फार्म भरकर नगर पंचायत चलखर में 11/3/22 को जमा किया था और बाबू द्वारा वहां का बताया गया कि संबल कार्ड में मोबाइल नंबर आधार लिंक नहीं हो रहा है, इसलिए जमा नहीं हो पाया है। फिर ये 21/4/22 को तीरथ नाम का व्यक्ति है, तीरथ चमकार, जो इसका मुन्नालाल का सगा रिश्तेदार है, साला भतीजा कुछ लगता है, ये उससे बोला कि एक व्यक्ति है जिसका मोबाइल नंबर से बात कर लो, उससे मेरी बात हुई है तो वो बताया कि मैं राजेंद्र शुक्ल का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, संबल योजना में भोपाल से 8 लाख रुपये दिलवा दूँगा। फिर ये मोबाइल नंबर लेके उससे बात किया, दिनांक 21/4/22 बात करने पे वो बताया व्यक्ति जिससे बात किया मोबाइल नंबर से, तो बताया कि आपको इस काम के लिए 25,000 रुपये लगेंगे, मैं जो है कल जाके आपका वो सब काम करा दूँगा, और उसको कटरा नई गढ़ी रोड पर बुलवाया करीब 10 बजे। फिर हरियाली पैसे की व्यवस्था करके अपने भाभी आभी से बताया कि भाभी से व्यवस्था करवा दे पैसे 25,000 रुपये लेके, उसके बताए अनुसार स्थान पर पाया, और उसके बाद वो पहले तो बताया कि 4-व्हीलर में हूँ मैं, ऐसा करके बताया 4-व्हीलर मेरी खड़ी रहेगी वहीं पे आ जाना, लेकिन वहाँ पहुँचा तो 4-व्हीलर नहीं था, कोई बाइक वगैरह भी नहीं था, तो उनको भी फ़ोन लगाया वहाँ पहुँच गए, तो अगला आया। आने के बाद उससे बात हुई, उसने कहा कि मेरे से ही बात हुई थी 25,000 रुपये जो बोला तो लेके आया लेकिन नहीं आया, तो उसने बोला कि लेके मैं आया हूँ, तो बोले पैसा निकालिए, पैसा वो जैसे निकाला जेब से निकाला और देने की स्थिति नहीं बन पाई थी, वैसे वो हाथ से पैसा जल्दी से खींचा और मोटरसाइकिल से भाग निकला। खबर है भाई रीवा संभाग के सीधी जिला से, जहां गुरु और शिष्य के रिश्ता का तार तार करे वाला मामला सामने आबा है। यहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड्डी सीधी में पढ़े वाली छात्रा के साथ स्कूल के प्राचार्य के फोन माही अश्लील बात करे के ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल भा है। ये मामला कल के छात्रा के परिजन रीवा मुख्यालय पहुंच गए और संभागीय कमिश्नर के साथ है ADG के अलावा संयुक्त संचालक लोक शिक्षा अधिकारी का मुख्यमंत्री के नाम शिकायती पत्र सौंपी है, साथ ही प्राचार्य के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे के मांग करी नहीं भाई। हालांकि जो ने मेयर से छात्रा बात कही रही है उसे ये लागल रहा है कि यह बात लंबे समय से होत लाही भाई। अपने को बताया गई कि हाल ही में ही रीवा के शासकीय मार्तंड स्कूल क्रमांक 2 में यह में एक मामला प्रकाश मावा रहा, जहां मार्तंड क्रमांक स्कूल 2 के प्राचार्य अमरेश सिंह के स्कूल में पढ़े वाली 9वीं के छात्रा के साथ ब्लैकमेल कही के फोन में अश्लील बात करे के ऑडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भय रहा। उसके बाद यह मामला सीधी जिला से संघ आबा है, जहाँ ऑडियो वायरल हो रहा है। हेलो, कहाँ व्यस्त रहते हो? अरे कहीं नहीं, मेरे भाई का फोन आया था। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं भाई आपके? मेरे भाई यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहता है। अच्छा, और रामलीला वगैरह ना जाना होगा, हमारे गमार लोग रहते हैं, कहे ना जाए रामलीला में क्या होता है? अरे यार तुमको कोई देखेगा तो अच्छा ना लगेगा, हमें देखते रहे, देखने वाले देखते रहे भाई, तो तुम मेरी हो ना तो मेरे हिसाब से रहोगी ना? ऐसा नहीं होता है। सच भले मैं गुस्सा था तुम्हारे ऊपर, लेकिन कसम से बहुत याद आती थी, किसी हाँ कसम बहुत, और बाहर जाती थी इसीलिए काका का गुस्सा लगती थी, इसलिए कि तुम उधर जाओगी तो उधर जाओगी तुमको कोई देखेगा। अब मेरे स्टेटस के हिसाब से रहोगी ना? वो तो स्कूल बस में आप देख सकते हो, बाकी घर से बाहर नहीं। और होटल होटल बिल्कुल अब कभी नहीं जाना। क्यों? अरे वहाँ पे लड़के लोग रहते हैं ना इधर उधर, तो क्या रहते रहे अपना,
वो तो अपने लिए रहते हैं ना कि मेरे लिए। जब मैं रहूंगा तब आया करूंगा, बस क्यों? ये जब मैं अगर जाना होगा तो मेरे से बुरे बुला लिया करो, तो मैं आ जाया करूँ। हाँ अच्छा, खुश हूँ आज। जरूरी नहीं है कि आपको हम बुलाएं तभी जाएं। आप खुश हो ना काहे के लिए खुश? मेरे से? हुँ? अच्छा, आप कॉल करने के लिए बोले थे, कुछ जरूरी बात करनी थी, क्या बात थी? बस ऐसे यही बात है। तो कल उसको आने से पूछो, कुछ बताई थी नहीं तो मेरे से सोचे, तो मैं बोला कि मेरी कभी नहीं बात होती है। थोड़ा फोन होल्ड किया, हम फोन वोन ना करना। हेलो, हेलो। हाँ वाली, अब क्या करोगे? क्या? आप क्या करोगे? तो कुछ नहीं। वो बोली थी कि वो आपके, जब बोली थी आप इस समय बिजी बहुत रहते हैं, बात तो कई दिन से नहीं किया था उससे, उसकी तबीयत तबीयत खराब थी, तो हम सोचे पहले खराब आपसे है, कुछ। उसकी तबीयत खराब है तो हम क्या करें? हम बात कर लेंगे तो ठीक हो जाएगी। नहीं, वो ये सोची होगी कि मतलब ये मेरे से बात क्यों नहीं करते हैं, क्या कैसे हाल चाल भी नहीं पूछे, पापा भी बता के विदा ले गए हैं, तो मैं सोचा कि आप यही बताई हूँ कि मेरे से बात होती है, कभी भी जीवन में चाहे कोई भी उल्टा सीधा करके बोलेगा कि हमसे ऐसा बोले हैं ऐसा बोले हैं कि तो बात करते रहे, तुम कभी भी कोई भी बात ओपन ना कर लो, आपकी बात कभी ओपन ना है जीवन में, कोई नहीं जान सकता, मेरे द्वारा कोई नहीं जान सकता कि आप मेरे से बात करती हो, नोट कर लो, मेरे सिवा जी कोई नहीं जान सकता कभी भी, इसको भी कंट्रेस में ना आया करो, अगर किसी को पता चल गया तो? ना चलेगा कभी भी, अगर 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 मैं कहते हैं, हंसू। सुनिए सुनिए सुनिए, कहते हैं चोर कितना छुपे, कभी न कभी तो फंस जाता है, तो ऐसा नहीं कभी नहीं पता चलेगा। सुनो, अगर मान लो कभी भी अगर कोई बताएगा कि मेरे से बताए मैं बात करता हूँ, तो उसी दिन से मान लेना कि बहुत गंदे आदमी है, इग्नोर इग्नोर कर देना। हाँ सुनो, जीवन में मेरे द्वारा कभी भी कोई ना जानेगा, इतना नोट कर लो तुम। हाँ, कितना भी उल्टा सीधा कोई करके पूछे कि वो मेरे से बताई है वो, लेकिन मैं कभी ओपन ना होऊंगा। आपको पक्का वचन मैं देता हूँ, स्कूल में तुम ड्रेस पहन के ना आया करो, क्या तुम स्कूल में ड्रेस पहन के ना आया करो, क्यों ना? ऐसे तुमसे नॉर्मल कपड़ा ऐसे पर दूसरे साल को भी जाया करो। ये सर बोल रहे हैं जिसके पास ड्रेस ड्रेस पहन के आता, हम ड्रेस क्यों ना पहन के? ऐसा पहनते हैं तो हम नहीं पहनेंगे। नहीं, तुम ना पहनेगी, तुम्हारे लिए मैं सबको अलाउ कर दूंगी, जिसको जो इच्छा वो कपड़ा पहन के आए, 28 को मैं यही बोल दूंगा, क्या? 28 तारीख को मैं बोल दूंगा कि ड्रेस अनिवार्य नहीं है, जिसको जो इच्छा वो कपड़ा पहन के आए। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होगा, सब ड्रेस पहन के आएंगे, कोई ऐसे कपड़े पहन नहीं आएगा। क्या? नवंबर लगने वाला है, आप नवंबर लगने वाला है, ड्रेस अचार हाँ रखेंगे क्या? सब ड्रेस पहन के आएंगे। बिल्कुल बाबा बिल्कुल, हमारे पास इतने सारे कपड़े नहीं जो हम अंदर से जाएंगे। हो गया सब बेस्ट है, कभी भी कोई जाओ जो तुम्हारी बहन वहन आती है, बड़े दाऊ की बड़े पापा घर को कुछ जानती तो नहीं है, कभी नहीं, वो लोग कुछ नहीं जानते। भी मोरू वाले लड़के कोई नहीं जानते हैं पक्का? नहीं, मोरू वाले लड़के से हमारा कुछ नहीं लेना देना है। और क्या, थैंक्स, इसीलिए मैं उनको सारू। हाँ उनके उनको हम थोड़ी ना बताना चाहते हैं। इसी दिन सारे को मैं इतना मारता हूँ, गुस्सा रहता हूँ उनके ऊपर, क्यों पनिशमेंट देता रहता हूँ, क्यों 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 मारते हैं? मेरे को शंका रहती है कि सारे तुमसे तो बात नहीं करते, क्यों? आप बहुत गलत कर रहे हैं सच में। आप अगर ऐसा करेंगे ना, हमारी वजह से किसी को मारेंगे तो देख लीजिए, हम सबको बता देंगे अगर आप हमारी वजह से किसी को मारेंगे तो। देख लीजिएगा, हम सबको कोई बात नहीं, बताएंगे। क्या बताओगी?
हम बोल रहे हैं कि दीपक को मारेंगे तो मेरे को बताना। पागल कहेंगी तुम, बातें भी बहुत अच्छी लगती मेरे पसंद। क्या हम बनने वालों की नजरों में हम नफरत वाले दिखते हैं और आपको पसंद दिखते हैं? सही बोल रहे हो कसम से। हम जैसे इंसान भगवान करे किसी को न मिले। सबको मिले। हट। सच बोलो। आज सुनो, आज से आप 100% मेरी हैं और 100% मैं आपका हूँ। ठीक। डन। ठीक हो गया, बाद में बात करते हैं। सुनो कभी थोड़ा सा हम काम में बिजी हैं। हाँ सुनो ना, कभी कोई भी बात ओपन नहीं होना चाहिए, ना लड़कों से, ना घर के परिवार को कोई सहेलियों से, ना किसी लड़कियों से। मेरे द्वारा तो खैर कोई कभी जानेगा ही नहीं। जब मैं बात तो सब जानते हैं, मेरे को पता ही चली है। उसमें चलता है, मेरा थोड़ी चलता है। तो सब तो बोल रहे थे कि सबसे चलता है, आपसे भी छोटू से भी। नहीं नहीं गलत बात है, हमने तो सुना है, ये तो सच बात है। नहीं नहीं तो बिल्कुल मतलब ठीक है हम बाद में बात करते हैं। ओके बाय। ओके बाय, लव यू। हमारे लड़की को परेशान करते थे, फोन करते थे, धीरेन्द्र सिंह प्रिंसिपल है खट्टी में, तो वो त्रस्त हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मेरे को बताई उसने कि ऐसी ऐसी बात है, उसी की शिकायत हम लेके आए थे। कहाँ पढ़ती है लड़की? खट्टी स्कूल में। बेचारे क्या नाम है? धीरेन्द्र सिंह। सर ये कई महीने से हो रहा है, तो परेशान कर रहे थे, तो परेशान थी पहले, शर्माती बताती नहीं थी, जब बहुत ज़्यादा हो गया फिर लास्ट में उसने मेरे को बताई। वो उसको उल्टी सीधी बातें करते थे उससे, ऐसे ये है वो है, मेरे पास पूरी ऑडियो है उसकी, उस गलत बोले उसको। अभी आपने किससे शिकायत की है? कि हमने वहाँ शिक्षा अधिकारी पास हमने कर दिया। संयुक्त संचालन जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि आप जाइए वहाँ थाने में डालिए, वहाँ से जो है तो कार्रवाई चालू जी। मेरे को अभी थोड़े दिन पहले मालूम हुआ है। संबंधित थाने में शिकायत नहीं की, आप अभी चले? अभी जा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप जी? ये जो है उसको परेशान कर रहे हैं, ये बंद हो जाए सारा कुछ, ऐसा गलत और भी लड़कियों के साथ उनने किया होगा। प्राचार्य के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? उन्होंने इतना मतलब गलत किए हैं कि अब ऐसा वो कभी सोच भी ना सके। खबर रीवा से है, जहां के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र से किशोरी के साथ दुष्कर्म के घटना घटित हुए के मामला सामने आ बल्ला है। पीड़िता अपनी सल की कहानी परिजन का बताई, जिसके बाद परिजन पहुंच के आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के धारण के तहत मामला का दर्ज करवाई है। यही समय ग्लानी के कारण किशोरी फांसी लगाए के आत्महत्या करे का प्रयास करें, जेका बाद में संजय गांधी अस्पताल में ही भर्ती करावागा, जहां उपचार के दौरान किशोरी दम तोड़ दी है। बतावा जाता है कि आरोपी अखिलेश मिश्रा गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के शिवपुरवा चौकी के गढ़वा के रहने वाले आई, जेके खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस तलाश शुरू कर दी सी। भाई हम घर पे नहीं थे, बाहर थे खेत में, और बच्ची बाहर गई थी, तो वहाँ अमित मिश्रा ने और अखिलेश मिश्रा ने उसके साथ बलात्कार किए। इसकी शिकायत कहाँ की? इसकी शिकायत गोविंदगढ़ थाने में करवाई थी जी। आपको जानकारी कैसे मिली? मैं वहाँ जो गेहूं का बोझा मैं इकट्ठा कर रहा था, तो वहाँ से आवाज़ चिल्लाहट के आई, तो मैं सोचा कि किसकी आवाज़, मैं समझ गया कि बच्ची तो मेरी बाहर गई थी, तो मैं जब यहाँ से आवाज़ लगाया कि कौन है, तो अपना भाग दिया, मैं उसको गाली भी दिया। फिर बच्ची घर आ गई, मैं खेत चला गया, तो 10-5 मिनट में बच्ची की माँ जब आई घर पर, तो उसको लटके हुए फांसी में पाई, तो चिल्ला ही जब मैं गया इलाज के लिए। क्या इलाज के लिए? फिर वहाँ से मैं वो टू व्हीलर में मेन लाइन तक आ, फिर वहाँ से ऑटो में ले आया, तो संजय गांधी में भर्ती किया। हाँ। आरोपियों का क्या नाम है? अमित मिश्रा है या अखिलेश मिश्रा? ये कहाँ रहते हैं? ये अपने घर में रहते हैं।
कार्रवाई हो गई है। सर ये लड़की का मामला है, तो क्या प्रॉब्लम है? कल के दिन करीब 10-11 बजे के आसपास हमारे पास एक गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम से एक अवयस्क बालिका को लेकर आया गया था और वो अचेतावस्था में थी और बताया गया कि उसने फांसी लगा ली है। उसकी स्थिति गंभीर थी, उसको तत्काल भर्ती किया गया। उसे कृत्रिम सांस देने की ज़रूरत पड़ी तो मशीनों पर रखा गया था। रात में कल जांच हुई और उसके परिजनों ने उस समय ये भी बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, तो तत्संबंध में पुलिस को भी सूचित किया गया था। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, कल बयान लिए उसने और जाँच की है, कुछ बयान लिए हैं। मगर दुर्भाग्य से रात में 1:40 पर उस बच्चे की मृत्यु हो गई, तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं बचा पाए। आज उसका शव परीक्षण हो रहा और उसके बाद सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी कि मृत्यु का कारण स्पष्टतः क्या था। खबर रीवा से है, जहां शादी के खुशियां पलक झपकते हवा हो गई। अपना बताई दी कि 20 वर्षीय युवती के साथ आरोपी राजकुमार साकेत पिता हीरालाल निवासी रायपुर करचुलियान के प्रेम प्रसंग चलत रहा। आरोपी शादी के झांसा दई के युवती के साथ लगातार बलात्कार करी। वहाँ शादी के दबाव बनाए के बाद युवती का छोड़ के दूसरे बिटिया से शादी कर ली। बुधवार का ही युवक के शादी रही और दुल्हा बन के दुल्ही ले युवक गरहा है। प्रेमिका थाना पहुंच के पुलिस का उनकर करतूत बतावत रही। युवती आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाई नहीं, जहां पुलिस मेडिकल परीक्षण करवाए के बाद अस्पताल भेजवा दी नहीं। गुरुवार का ही आरोपी का गगारा गांव से गिरफ्तार कर लीन गा है। वहीं घटना के संबंध में ही युवक से पूछताछ की जा रही है। वहीं मेडिकल के बाद आरोपी का न्यायालय में पेश की गा, जहां उसके बाद जेल भेज दीन गा है। एडिशनल एसपी कुमार वर्मा बताएं कि युवती के शिकायत में ही मामला का दर्ज किया रहा। सलगे मामला की जांच करे के बाद जौन तथ्य समूह यही ओके आधार में आगे के कार्रवाई की जाये। ये महिला थाने में एक मामला दर्ज हुआ कल, जिसमें युवती के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उसके साथ में पिछले कुछ समय से संबंध में बना के रखे हुए था युवक, और उसके बाद उसने शादी करने से मना कर दिया। फिर उसने बीच में ये बात आई तो उसने शादी करने से अपनी सहमति भी दी थी लिखित में कि मैं तुम्हें शादी करूँगा। उसके बाद मालूम चला कि उसके द्वारा कल शादी कर ली गई चुपचाप। इस पर से युवती ने थाना महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ इस तरह से उसके द्वारा लगातार शारीरिक शोषण किया गया और उसके बाद अब शादी नहीं कर रहा है। उसी तारतम्य में पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया और तत्काल ही लगभग FIR के 7-8 घंटे के बाद विवेचना पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची नाबालिग नहीं, बालिग हैं दोनों। इसमें आरोपी और जो फरियादी है दोनों बालिग। रीवा के बिटिया सीता साहू एथेंस ओलंपिक 2011 में ही देश खातिर 2 कांस्य पदक जीते रही, लेकिन बदकिस्मती से सरकार वह उनका सम्मान नहीं दे पाई जिनका वो हकदार रही। मजबूरी में ही पेट पाले खातिर अपने पुस्तैनी काम समोसा बेचे के काम में लगी गई। पर मीडिया जब उनकर खबर प्राथमिकता से दिखाई, ओके बाद प्रशासन नींद से जागे और शुक्रवार का ही सीता साहू उनके परिवार का कलेक्टर बुला रिपीट और शुक्रवार का ही सीता साहू और उनके परिवार का कलेक्ट्रेट बुलावा का, जहाँ उनके साथ मुलाकात करके बातचीत की गए। जेखे बाद जिला प्रशासन 10,000 रुपया के सम्मान निधि के तौर में सीता साहू का दिहीन और दुकान खातिर नगर निगम का निर्देश और दिहीन ही। एक साथ है सीता साहू के 8वीं पास करे के बाद उनका खेल कोटा से सरकारी नौकरी दिवावे के प्रशासन पहल करे नहीं भाई। कलेक्ट्रेट आए थे नगर निगम कमिश्नर द्वारा मिले थे कि जो हमारी दुकान की व्यवस्था है कराने के लिए बोला गया था, तो उन्होंने बोला कलेक्टर साहब से मिले, तो कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब ने ये बोला है कि दुकान की जो है तो व्यवस्था करेंगे जो सीता के और भविष्य के लिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे आने पे उन्होंने 10,000 रुपये की सम्मान राशि दी है कि अभी आप इसको वे करिए और इसके बारे में हम लोग सारे लोग बैठ के डिस्कशन करके चर्चा करेंगे और आपको सोल्यूशन देंगे। नौकरी और पढ़ाई के लिए भी कुछ बोल रहे हैं? बोले हैं कि नौकरी और पढ़ाई जो है जो भी अच्छा बेहतर लगेगा वे सब चीज़ें हम करके देंगे। सर अभी ये गीता साहू आपसे मिली हैं ग्रीस एथेंस में पैरा ओलंपिक में कांस मेडल जीता, क्या मदद कर सकते हैं जिला प्रशासन को? अभी हम लोग उनसे मिले हैं और जिस भी तरह की मदद की आवश्यकता होगी हम लोग कृत संकल्पित हैं कि ऐसी प्रतिभा जो अपने रीवा के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने इस तरह का की सफलता प्राप्त की है, तो हम इनके संपर्क में हैं और इनकी ज़रूरतों के हिसाब से इन्हें पूरी मदद करेंगे। नौकरी या दुकान वगैरह के लिए ये अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जो आवश्यकता होगी करेंगे। खबर सतना से है, जहाँ जिला माही अवैध प्लाटिंग में एक दर के पुन के प्रशासन के बुलडोजर चला है। अपने बताया गया कि शुक्रवार का ही लगभग 10 एकड़ के क्षेत्रफल में ही
प्लाटिंग का तहस नहस कराए खातिर चार ठे जेसीबी मैदान में उतारी गई, जेके बाद बनी सड़कन का मशीन खोद के फेंक दीन, जबकि प्लाटिंग खातिर जो निशान लगाए रहे उनका पथरा उखाड़ दीन गे। अपना को बताए गए कि अवैध कॉलोनी बनवाए खातिर नाला के दिशा बदल के मुख्य सड़क से जोड़ के पक्की सड़क बनाई ली गई रही है, जो उन्हें काहू तोड़ दीन गा हवा। अपना को बताए गई कि चित्रकूट सतना के मुख्य मार्ग से जुड़ी 10 एकड़ से अधिक जमीन माही प्लाटिंग कीन गई रही है। ये मामला माही राजस्व अमला और नगर निगम प्रशासन घला सवाल के घेरे में रहे हम, जेके बाद अब कार्रवाई कई रिपीट जेके बाद अब अतिक्रमण के कार्रवाई कई के प्रशासन के बुलडोजर चलाए दिन गया हवे। बुलेटिन की अगली खबर से गरौली जिला के गुदवाली शासकीय पूर्व विद्यालय से हवे, जहां सरकारी किताबन का ही बड़ी संख्या में कबाड़ी का बेचे के मामला सामने आबल्ला हवे। किताबन का ही स्कूल से काढ़ के कबाड़ी के लगे बेच दीन और कबाड़ी अपने कबाड़ के साथ दुकान में लाई गया, जेखर वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भय के बाद अधिकारी सलगे मामला के जांच शुरू करी नहीं भय। वह जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी पांडे कहीं के जांच के बाद दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये। खबर रीवा से हवे, जहां जय स्तंभ का बचावे खातिर और विश्व शांति खातिर 58वें दिना संकल्प फाउंडेशन के महिला आंदोलन का गति दिहीन ही भय। अपने बता दें कि समाज सेवी जन परिषद नारी चेतना मंच और विंध्याचल जल आंदोलन के तत्वाधान में ही ऐतिहासिक जय स्तंभ का बचाव है और यूक्रेन रूस के युद्ध के विरोध में विश्व शांति खातिर दीप प्रज्वलन सत्याग्रह के 58वां दिना या सत्याग्रह जारी रहा। अवसर में ही संकल्प फाउंडेशन के महिला अपन विशेष उपस्थिति दर्ज कराई और जय स्तंभ बचाव अभियान का गति दिहीन। वह दीप प्रज्वलन सत्याग्रह में ही मुख्य रूप से समाज सेवी जन परिषद के नेता लोकतंत्र सेनानी अजय खरे, संकल्प फाउंडेशन के नजमा बेगम, नाहिद परवीन के साथ है बड़ी संख्या माही समाज सेवी और आसपास के नागरिक उपस्थित रहे। बुलेटिन की अगली खबर सीधी जिला से है, जहां के बाहरी माही प्रशासन अवैध अतिक्रमण व बुलडोजर चलाई नहीं भाई। इस समय बुलडोजर चलाए के करीब 25 लाख रुपया के महंगी राष्ट्रीय राजमार्ग 39 से लगी जमीन का अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया है। जानकारी जो मिली रही के अनुसार राजकरण साहू माँ बाहरी थाना माँ कई अठे आपराधिक मामला दर्ज हमा। राजकरण साहू राष्ट्रीय मार्ग से जुड़े भूमि में ही पक्का ढाबा बनवाए के संचालन करत रहे। वह उपखंड अधिकारी सिहावल नीलांबर मिश्रा, तहसीलदार बाहरी अंचल अग्रहारी और बाहरी पुलिस के अमला मिल के यह कार्रवाई करी नहीं भाई। खबर रीवा से भाई, जहां पल्सर में सवार हुए के बदमाश मोटरसाइकिल सवार दंपति के पीछा कई के किटवरिया पुल के ऊपर लूट के वारदात का अंजाम दी। अपना को बताए दी के दंपति जैसे किटवरिया पुल के लगे पहुंचे, तब बगल से बाइक लगाए के पीछे बैठी महिला के बैग छुड़ाए के बदमाश भाग निकले। गरिमत यह रही के दंपति के बाइक नियंत्रण में रही, जौने के कारण बड़ी घटना हुई से टल गई है। बतावा जाता है कि संदीप कुशवाहा जौन के बैकुंठपुर कदैला के रहने वाले आई, वो अपने पत्नी का लेके अपने घरे जात रहे। वहां किटवरिया पुल के लगे यह वारदात का अंजाम दीन गा है। महिला के बैग में ही मोबाइल, एटीएम और जरूरी सामान रहा, जेकर कीमत लगभग 50,000 रुपया से अधिक बताई जाती है। वहीं पुलिस अज्ञात बदमाशन के खिलाफ मामला दर्ज कर ली है और तलाश कराए के बात कह रही हमा। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखा त्री मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।